92.7 बिग एफएम के बिग क्रिकेट हेडक्वार्टर पर मैच एनालिसिस विद हर्षा भोगले। ये जो पूल बी है उसमें सबको यही लगा कि ये आसान ग्रुप है, बड़े आसानी से वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका निकल जाएंगे वहां से। लेकिन कुछ और ही कहानी बन रही है यहाँ पे। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कौन सी वेस्ट इंडीज टीम खेलेगी? क्या वो वेस्ट इंडीज टीम जो आयरलैंड को रोक नहीं पाई, या वो वेस्ट इंडीज टीम जो पाकिस्तान को बड़े आसानी से हरा गई? वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो है बॉलिंग का, कि 300 तो उनके रन बन रहे हैं लेकिन 300 रोकना मुश्किल हो रहा है उनको, कि अगर जल्दी विकेट नहीं मिले तो। वहीं साउथ अफ्रीका की नजर से देखा जाए तो इतनी बुरी तरह से इंडिया के लिए हार, इंडिया के खिलाफ हारना उनके ख्वाबों में उन्होंने नहीं देखा होगा, तो एकदम से कॉन्फिडेंस जरा कम हो गया होगा, उनके बैलेंस के बारे में चर्चा हुई होगी। तो साउथ अफ्रीका के लिए जरूरी है कि ना तो सिर्फ वेस्ट इंडीज को हराए बल्कि अच्छी तरह से हराए ताकि कॉन्फिडेंस वापस आए। टीमों को अगर बैलेंस देखा जाए तो लगता है वेस्ट इंडीज में उतना कम है कि साउथ अफ्रीका को हरा सके, साउथ अफ्रीका को मैच जीत सके। 92.7 बिग एफएम ऑफिशियल रेडियो पार्टनर ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015।